हेलो फ्रेंड्स, डू यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थीटा ट्रेडिंग, हाउ टू डू वीकली ट्रेड्स। एक बार सौदा मारा, एक हफ्ते बाद देखा, पूरे वीक फ्री। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटजी ऑफ थीटा ट्रेडिंग, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह। तो दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स पे हैं, जो बिजनेस पे हैं, और वो पूरा टाइम मार्केट को डेडिकेट नहीं कर सकते, हर समय बाज़ार पे नहीं बैठे रह सकते। वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं जिसमें वो सौदा एक बार मारें और एक हफ्ते बाद देखें। तो आज मेरा टॉपिक वही है, विच इज़ थीटा ट्रेडिंग। इससे पहले कि मैं स्ट्रेटजी पे मूव करूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल IBBM दिल्ली NCR को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। वी आर अ स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजिंग इन द आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड एजुकेशन। दिस इज़ आवर साइट, आवर नंबर्स, आवर ईमेल। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह। मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट sudhanshusinh.in को विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज थीटा। पहले थीटा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, थीटा होता है, ये जैसे आप ऑप्शन प्रीमियम देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है, उसमें रेगुलर डीके, यानी ये ऑप्शन प्रीमियम रेगुलर धीरे धीरे करके कम होता रहता है, दैट इज नोन एज थीटा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि थीटा क्या होता है। थीटा देखिए, जैसे कि आप ये कॉल देख रहे हैं जिसका प्रीमियम चल रहा है 378 रुपीस, ये 36,100 की कॉल है, एंड द मार्केट दैट इज बैंक निफ्टी इज करंटली स्टैंडिंग 35,840 रुपीस। तो ये कॉल आउट ऑफ द मनी है। अगर आप समझना चाहते हैं आउट ऑफ द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, इन द मनी है क्या है, तो उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइडेड है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऊपर भी मैं एक लिंक प्रेस कर रहा हूं, तो आप उस लिंक पे जाके एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी समझ सकते हैं। इससे पहले कि आप इस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकें, ये कंपलसरी है कि आपको ऑप्शंस क्लियरली समझ में आए। सो दिस इज आउट ऑफ द मनी विच इज रनिंग एट 380 रुपीस। ये 380 रुपीस कमिंग थर्सडे को जीरो हो जाएंगे, जीरो, बिकॉज ये जो भी वैल्यू इसमें चल रही है, ये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू मतलब टाइम के रिस्क का पैसा जो एक सेलर लेता है, सेलर ऑफ द ऑप्शन। तो ये चल रही है 380 रुपीस पे। तो अगर बाजार एक्सपायरी दैट इज थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को, विच इज 25th फेब, जो इसकी एक्सपायरी है, 36,100 से नीचे रहता है, तो ये जीरो हो जाएगी, और जो जिसने भी इसे बेचा है वो पूरा प्रीमियम इसका रिसीव कर सकता है। सो दिस इज नोन एज थीटा। थीटा, अब इसे स्ट्रैटेजी को ट्रेड कैसे करना है, सवाल ये आता है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो थीटा होता है, वो एट द मनी कॉल्स एंड पुट्स में होता है, विच इज़ एट द मनी कॉल एंड पुट। तो सबसे पहले हमें एट द मनी कॉल एंड पुट के बारे में समझना होगा, तो मैं यहीं लगा देता हूँ, विच इज़ एन ईजियर ऑप्शन। ज़्यादातर लोग निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफरेबल समझते हैं, इसलिए मैं निफ्टी ही लगाऊंगा। और आज फ्राइडे है, आप देख सकते हैं डेट 19th February 2021। दिस इज़ द बेस्ट डे टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि पूरे एक हफ्ते का थीटा इस समय अवेलेबल है आप लोगों के पास। सो मैं निफ्टी लगा रहा हूँ दोस्तों, निफ्टी लगा लिया है मैंने। आप देख सकते हैं निफ्टी 14,970 चल रही है, 14,970। दैट मीन्स एट द मनी कॉल और पुट मेरे पास होगी 15,000 की। तो 15,000 की कॉल और मैंने 15,000 की पुट दोनों लगा ली आपके सामने। आप देख सकते हैं 15,000 की कॉल, 15,000 रुपये की पुट। और अगर मैं कॉम्बिनेशनली इस कॉल और इस पुट को देखूं, तो ये चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 280 रुपए के आसपास। ये जोड़ा 280 रुपए के आसपास चल रहा है दोस्तों, और ये तब चल रहा है जब पूरे दिन बाजार चल चुका है। मैं आप टाइम देख सकते हैं, मैं 2:30 बजे बना रहा हूँ। अगर आप यही स्ट्रैटेजी सुबह 9:30-9:30 बजे एग्जीक्यूट करें, विच इज़ द राइट टाइम टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी, तो ये जोड़ा दैट इज कॉल और पुट का जोड़ा आपको 300-350 रुपये तक मिलता है। 300-350 रुपए इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। तो 300-350 रुपए के आसपास आपको ये जोड़ा मिल जाएगा बेचने के लिए। अब बेचने में कई लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है,
तो अगर आप इसे साइमल्टेनियसली हेज कर लें तो ये पैसा बहुत कम हो जाता है। एक्सचेंज आपसे मार्जिन्स क्यों डिमांड करती है? क्योंकि आप अनलिमिटेड रिस्क पे काम करने की बात करते हो। अगर आप रिस्क लिमिट कर लो तो एक्सचेंज उसका मार्जिन बहुत कम लेता है, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेटेड क्रिस्टलाइज्ड ऑब्लिगेशन, जिसका भी एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइडेड है, ऊपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, उसे देखिए। बहुत कम मार्जिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों को बेचने में आपका 60-70 हज़ार रुपये का मार्जिन लगेगा, इससे ज़्यादा मार्जिन लग ही नहीं सकता अगर आप इसकी हेजिंग करें। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जोड़ा आपने 300 रुपये में बेच दिया, 300 रुपीज़ में ये सेल हो गया, तो आप इसमें 300 रुपये प्लस की कॉल और 300 रुपये माइनस की पुट देख लीजिए। तो मुझे कॉल लेनी पड़ेगी दोस्तों इसमें 15,300 की, मैंने इसमें 300 रुपये जोड़ दिए, यानी जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है, और मैंने पुट भी माइनस कर दी, दैट इज 14,700 की पुट, सॉरी ये कॉल लग गई है पुट। अब आप देख सकते हैं ये जोड़ा मेरा जो बाय हो रहा है दैट इज कॉल और पुट का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ के आसपास ये बाय हो रहा है मेरा जोड़ा, 80 रुपीज़ अगर आप सुबह करते तो ये बाय हो जाता है 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ के आसपास। अब आपने ये दोनों लेग्स बाय करने हैं, दैट इज 15,300 की कॉल आपने बाय करनी है, 15,000 की कॉल सेल करनी है, 15,000 की पुट सेल करनी है, और 14,700 की पुट बाय करनी है। फोर लेगेड स्ट्रैटेजी हो गई, स्ट्रैटेजी भिज गई, बंद हो गई। 300 रुपये का प्रीमियम आपने रिसीव किया, विच इज़ प्योर थीटा, जो ज़ीरो हो जाएगा 25th फेब को, और उसे अगर बाजार भाई 300 पॉइंट ऊपर ज़्यादा ऊपर चला गया या 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे चला गया तो क्या अनलिमिटेड लॉसेज हो सकते हैं? तो उसके लिए हमने उसके विंग्स बाय करके उसे हेज कर लिया। इस टाइम पुटें थोड़ी सी महंगी दिख रही हैं दोस्तों, क्योंकि आज बाजार गिरा है, बहुत तेज़ी से गिरा है, इस वजह से पुट थोड़ी सी महंगी हो रही है, कॉल थोड़ी सस्ती हो रही है, अदरवाइज ये बैलेंस में मिलता है, जोड़ा 300 रुपये में बिक जाता है और हेजिंग करीबन 70-80 रुपये तक मिल जाती है। विक्स थोड़ी बड़ी हुई है बाजार की, अभी मैं अगले वीडियो में विक्स ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, विक्स थोड़ी बड़ी हुई है इस वजह से प्रीमियम थोड़े मिसबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे, इसीलिए मैंने इसका आज फ्राइडे का दिन ही चूज़ किया आपको ये दिखाने के लिए। अब इस डेटा को हम एक्सेल में शिफ्ट कर लेते हैं, आप लोगों को समझाने के पर्पस के लिए मैं इसे एक्सेल में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये एक स्पेशल फैसिलिटी होती है दोस्तों एक्सेल की, जिसमें जो फीड्स वहाँ चल रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आप लाइव देख सकते हैं। तो मैंने ये जोड़ा सेल किया था 300 रुपये में, तो अगर अब इस जोड़े को मैं बाय करूँ तो ये कितने में बाय होगा? तो ये बाय होगा दिस प्लस दिस प्राइस में, तो इन दोनों प्राइजेज में ये बाय होगा। अब मैं रफली अराउंड मान लेता हूँ कि मैंने जो जोड़ा ख़रीदा वो 90 रुपये में ख़रीद लिया, तो अगर इन्हें मुझे बेचना पड़े तो मैं किस रेट में बेचूँगा? वो इस रेट में बिकेंगे, दैट इज़ 83। तो सेल माइनस बाय, इसमें मुझे 20 रुपये आ रहे हैं, एंड दिस इज़ सेल माइनस बाय, इसमें मेरे को 6 रुपये जा रहे हैं। ओवरऑल आई एम मेकिंग 13 रुपीज़ 20 पैसा इंटू क्वान्टिटी ऑफ 75, मुझे 926 रुपये आ रहे हैं, ये जोड़ा बिल्कुल बिचा हुआ है। अब आप फ्राइडे को सुबह ये सौदा लीजिए और भूल जाइए, बस सीधा थर्सडे को 3:15 बजे देखिए, 3:15 बजे ठीक 3:50। अगर निफ्टी 15,000 से 300 पॉइंट की रेंज में है तो या तो आप 0-0 हो गए या प्रॉफिट में हो गए, और अगर निफ्टी 15,300 से ऊपर या 14,700 से नीचे है तो आपका लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड इन बाइंग द कॉल्स एंड पुट्स। तो हमने 15,300 की कॉल बाय की थी और 14,700 की पुट बाय की थी, इन दोनों में मैंने 90 रुपये बाय किए थे, तो आपको किसी भी सिचुएशन में 90 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, चाहिए सो जाइए, हो ही नहीं सकता, दैट्स द स्पेशलिटी। और मैक्सिमम प्रॉफिट 300 माइनस 90, विच इज़ 210 पॉइंट्स का है। तो पहली बात जो मैं हमेशा गोल्डन रूल्स में पढ़ाता हूँ, जिसका वीडियो मैं ऊपर फिर से देता हूँ आपको, 1:2 का ट्रेड है, 1 रुपया जाने के लिए और 2 रुपये आने के लिए, यानी अगर आपने 10 सौदे भी मारे, 10 में से 7 आपसे 90 रुपये ले जाएं, दैट इज 7 9 54, 540 रुपये आपसे ले गए ये सौदे, 3 भी सही बैठ गए और 3 आपको 630 पॉइंट दे गए, फिर भी आप 90 पॉइंट के प्रॉफिट में हो, ये स्पेशलिटी है। और किस्मत इतनी बुरी नहीं होती दोस्तों, और बाजार भी इतना ट्रेंडी नहीं होता कि 300 पॉइंट निफ्टी रोज हफ्ते में बिक जाए, चढ़ जाए, बिक जाए, चढ़ जाए, लेकिन डोंट गेट इमोशनली स्वेड बाय दिस स्ट्रेटजी। मारा भूल जाओ, बाजार बिक गया जी, बाजार 14,500 आ गया सर, अब क्या बाय बैक हो जाएगा, उसे ये मत देखना कि मेरा लॉस कन्फर्म हो गया 90 पॉइंट का तो 2 दिन पहले ही काट लेता हूँ, नहीं कटेगा ये थर्सडे को ठीक 3:30 बजे या 3:15 बजे,
उससे पहले नहीं, क्योंकि कई बार बाजार बिकता है, बायबैक हो जाता है या ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, आपका वो नहीं देखना, बस मार के भूल जाइए एक हफ्ते बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि मैं बर्बाद हो सकता हूँ, ये हो सकता हूँ। सिंपल 90 पॉइंट मैक्सिमम जा सकते हैं और 210 पॉइंट मैक्सिमम आ सकते हैं। और मैंने, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, स्ट्रैटेजी पे मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ओवरऑल साल के एंड में आपको 36 से 40% का रिटर्न कहीं नहीं जाता दोस्तों, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। बस आपको हर हफ्ते ये स्ट्रैटेजी मारनी है, यानी थर्सडे के बाद जो अगला फ्राइडे आए उसमें ये स्ट्रैटेजी बना दीजिए सुबह, और थर्सडे अगले थर्सडे को बुक कर लीजिए। मैक्सिमम लॉस डिसाइडेड है, मैक्सिमम प्रॉफिट डिसाइडेड है। अब इधर आप समझिए दोस्तों, अब 15,000 की कॉल पुट आपने बेची है और 210 पॉइंट आने के लिए, तो 15,000 से अगर निफ्टी 210 पॉइंट ऊपर या 210 पॉइंट नीचे इस रेंज में है तो गारंटीड प्रॉफिट है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही है। और अगर 210 पॉइंट से 10 पॉइंट ऊपर है तो आपका 10 पॉइंट का लॉस, 210 पॉइंट से 20 पॉइंट ऊपर या नीचे है तो 20 पॉइंट का लॉस, क्योंकि मैक्सिमम तो 90 पॉइंट का लॉस है, 300 पॉइंट की रेंज है। तो 210 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी हर हफ्ते बंद हो जाए तो आपका प्रॉफिट कन्फर्म है। वेरी वेरी सिंपलेस्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, हर महीने बस आप, हर हफ्ते आपको मार देनी है। हफ्ते में 4 हफ्ते होते हैं, और आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि चारों हफ्तों में निफ्टी 400 पॉइंट बिक जाएगी या चढ़ जाएगी। अब लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, सर निफ्टी तो कितना भी बढ़ सकती है, कितना भी घट सकती है। अब ये थोड़ी सी अजीब बात है, कई लोग मुझसे कहते हैं निफ्टी कितना भी बढ़ जाएगी, कितना भी घट जाएगी, कैन इट रियली बी पॉसिबल कि निफ्टी अनलिमिटेड बढ़ जाए या अनलिमिटेड घट जाए? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार ट्रेंड आता है ख़त्म हो जाता है, फिर हफ्तों तक वॉलीटिलिटी चलती है। एंड दिस स्ट्रैटेजी एक्चुअली इज ऑल अबाउट वॉलीटिलिटी का ना। अगर आप बाजार में देखेंगे तो 10 में से 8 सौदे वॉलीटिलिटी के होते हैं और सिर्फ 2 सौदे ट्रेंड के होते हैं। हाँ, ट्रेंड इतना बड़ा होता है कि अगर आप ट्रेंड में SL नहीं बुक करेंगे तो वॉलीटिलिटी खा जाएगी। तो SL मेरा यहाँ पर ऑलरेडी मैंने हेज करके क्लियर कर लिया है, तो आई डू नॉट हैव अनलिमिटेड लॉसेज, आई डू नॉट हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। कितनी अच्छी बात है, लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। लॉस 2 रुपये का हो, प्रॉफिट 2 रुपये का होगा सॉरी, एंड लॉस सिर्फ 1 रुपया 54 का हो सकता है। दैट्स द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अब निफ्टी कितनी भी बढ़ गई सर, निफ्टी कितनी भी घट गई सर, अब इसे कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये सब जो बेकार की बातें कि निफ्टी अनलिमिटेड चढ़ सकती है अनलिमिटेड गिर सकती है, उसका क्या लॉजिक है? इज इट क्लियरली लॉजिकल टू से कि निफ्टी सर एक दिन में अनलिमिटेड बढ़ जाएगी अनलिमिटेड गिर जाएगी? मेरा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि बाजार 15,000 के आसपास बंद हो जाए और मेरे को प्रॉफिट आ जाए, और मेरा रिस्क लिमिटेड है एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड। आराम से जाइए, फ्राइडे को मारिए, सो जाइए, थर्सडे को आइए, कवर अप कर लीजिए, बात खत्म हो गई। कितना सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब कई लोग मुझसे कहते हैं, सर प्रूफ करो कि स्ट्रैटेजी में पैसे आते हैं, तो प्रूफ करते हैं। लेट्स प्रूफ दिस स्ट्रैटेजी कि स्ट्रैटेजी में पैसे आ सकते हैं आप लोगों को, तो लेट्स प्रूफ दिस स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम एक चार्ट लगाते हैं निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का ये आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने चार्ट लगा रहा हूँ, और मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा दोस्तों, नो इंडिकेटर्स नथिंग, सिंपल स्ट्रैटेजी रखूंगा, सिंपल क्लियरेंस रखूंगा, नो एडिशनल इंडिकेटर्स और बेफालतू की बातें। ये आप देखिए, ये मैंने निफ्टी का 1 डे का चार्ट लगा लिया। अब कई लोग मुझसे बोलते हैं, सर ये ट्रेंड है इसमें लॉस हो जाएगा। मैं अभी आपको प्रूफ करता हूँ ये ट्रेंड है ही नहीं वीकली बेसिस पे। तो लेट्स टॉक फ्रॉम द रेंज ऑफ, लेट्स से बहुत पीछे आ गए अब हम, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप लोगों को मुझे समझाना है, रिसर्च आप लोग खुद कर सकते हैं। तो दिसंबर से देख लेते हैं एक बार, दिसंबर 2020 आप देख सकते हैं। अब आपको देखना है दिसंबर 2020 का पहला फ्राइडे क्या था। तो दिसंबर 2020 का मेरा पहला फ्राइडे पड़ता है फोर्थ फ्राइडे को मैं ये ट्रेड हिट करूंगा और 10th ऑफ थर्सडे को मैं इसे बुक कर लूंगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप एक बार पीछे और जाना चाहते हैं तो मैं पहला नवंबर ले लेता हूं आपके लिए। चलिए 27th नवंबर को मैं ट्रेड हिट करूंगा और 3rd ऑफ दिसंबर को इसे बुक कर लूंगा। बड़ा सिंपल, 27th ऑफ नवंबर को आपने ये ट्रेड हिट किया और 3rd ऑफ दिसंबर को बुक कर लिया। कितना सिंपल सा ट्रेड है। तो 27th ऑफ नवंबर आ जाओ जी, ये आ गया 20, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर डेट्स आ रही हैं। तो 27th ऑफ नवंबर मुझे देखना है कहाँ है, ये 27th ऑफ नवंबर है। इस टाइम आप देख सकते हैं निफ्टी 12,968 पे खड़ी है। तो हम ATM कॉल पुट मान लेते हैं 12,950 को। तो आपने 12,950 का जोड़ा बेच दिया 300 रुपये में और 300 पॉइंट दूर की हेजिंग कर ली। यानी अगर निफ्टी 12,950 प्लस 210 पॉइंट में बंद हो रही है तो मेरा प्रॉफिट है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और उसे 10
हमें 3 दिसंबर को देखना है, तो 1, 2, 3 ये आ गया जी 3 दिसंबर, आप देख रखे 13,133, तो डिफरेंशियल नोट कर लेते हैं दोस्तों, ये आ गया 27,12,950, थोड़ी सी मुझे एक्सेल लेनी पड़ेगी, 12,950 ये मेरा सौदा था और वो बंद हुई है 3rd of December को 13,134 मान लेते हैं, तो 13,134 पे वो बंद हुई है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस विच इज अ मूवमेंट ऑफ 184 पॉइंट्स, यानी वो मेरे 210 पॉइंट की रेंज में से 185 पॉइंट दूर हट चुकी है, तो यानी 210 में से 185 तो चले गए और बचे 25 पॉइंट, तो पहले सौदे में हमें यहाँ 26 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हो गया एक्सक्लूडिंग योर हेजिंग, हेजिंग को मिलाकर वही 26 पॉइंट का आपका लॉस हो, 300 पॉइंट आने थे, 300 पॉइंट ठीक आगे आपको रिसीव हो गए जिसमें से 90 पॉइंट चले गए, बचे 210, 210 में से 184 ले गया तो 26 पॉइंट आपको नेट में रिसीव हो गए, और इसके लिए आपने पूरे हफ्ते कुछ नहीं किया, सौदा हमारा भूल गए। अब हमारा अगला सौदा बनेगा 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को आपने ये ट्रेड हिट कर दिया 13,356 पर, 13,356 पे आपका ये सौदा हिट हो गया, तो आपने 13,356 पे ये सौदा मारा, फिर से 356 यानी 13,350 में मान लेता हूँ, 13,350 पे आपने ये सौदा हिट कर दिया, 13,350 पे जो आपने सौदा हिट किया दैट इज ऑन 4th of December, इसकी एक्सपायरी कब की होगी ये देख लेते हैं, 10th of December, तो 10th of December पे आ जाइए सीधा, 10th of December ये रहा 13,478, 13,478 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 122 पॉइंट मुझसे 210 में से ले गया, तो यहाँ पर भी मुझे 88 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, देख रहे हैं बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब 10 के बाद हम 11 को सौदा ले लेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, 11 को निफ्टी खड़ी थी 13,514, आप देख सकते हैं मैं क्लोजिंग प्राइस ले रहा हूँ 13,514, तो मैंने 13,514 पे यानी 13,500 की कॉल पुट बना ली, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, 13,500 की कॉल पुट बनाई और जो चीज़ मैंने 11 को हिट की उसकी एक्सपायरी देखनी पड़ेगी हमें, 17 तारीख की एक्सपायरी है तो 17 पे आ जाइए, 17 तारीख 13,740, 13,740 ये 240 पॉइंट दूर हट चुका है दोस्तों, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑफ -240, यहाँ पर मेरे 30 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, 210 पॉइंट अलग से ले गया, 30 पॉइंट हेजिंग के, तो मेरे यहाँ पर 30 पॉइंट लग गए, कोई बात नहीं, अगला दिन देखेंगे, 17 के बाद आपका आएगा 18 तारीख, 18 तारीख ये लगा दो दोस्तों सौदा 18 तारीख का 13,760, तो आपने ये सौदा मारा 13,750 की कॉल पुट मान लेता हूँ आपने मारी। अब देखते हैं जो हमने सौदा हिट किया दिसंबर में 18 तारीख को, उसकी एक्सपायरी है 24 तारीख की दोस्तों, तो 24 तारीख को बाजार बंद हो गया 13,750, पोनेंजा पोनेंजा हिट हो गया दोस्तों, पूरा 210 पॉइंट क्रेडिटेड, पूरा 210 पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है माय फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को यहीं दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिए 13,750 पे आपने सौदा मारा, बाजार उसके अगले ही दिन 13,300 आ गया है, 13,300 आप देख सकते हैं और लो बनाया है यहाँ पर, देखिए इस कैंडल का 13, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो विच इज 13,130, यानी बाजार एक दिन में खुलने के बाद बिका है पूरा 500 पॉइंट, निफ्टी 500 पॉइंट बिक गई है दोस्तों, 500 से 600 पॉइंट छुड़ाए इधर से, आपको यहां लगेगा भैया मेरा तो 300 पॉइंट का रेंज क्रॉस हो गया, कंफर्म लॉस हो गया इस बार तो 90 पॉइंट का एक ही दिन में, अरे आप पता नहीं कितना बिक जाए, यहां आपको इमोशंस नहीं लाने हैं, कितना भी बिक जाए आपका तो लॉस डिसाइडेड है 90 पॉइंट, इससे ज्यादा का लॉस हो नहीं सकता ना, तो यहाँ इमोशन ला के पहले काट लूँ, यहाँ एक काम करता हूँ लॉस बुक करके दूसरा एटीएम का रेंज बना लेता हूँ और ये करके वो कर लेता हूँ, वो करके वो कर लेता हूँ, ये सब नहीं करना, भूल जाओ, फ्राइडे मारा थर्सडे कवर कर लो बस, इस स्ट्रैटेजी का यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माई फ्रेंड्स, फ्राइडे मारो थर्सडे को कवर कर लो, कहाँ बढ़ाया बढ़ाया छोड़ दो, भूल जाओ, अपने काम में बिजी रहो, जॉब जाओ, बिजनेस जाओ, कुछ भी करो करो, बस थर्सडे यानी आपको फ्राइडे को 5 मिनट देने हैं और थर्सडे को 5 मिनट, बात खत्म,
और देखिए पूरा बायबैक उठ गया और 0-0 पे बंद हुआ है जहां से हमने सौदा मारा है, और बोनेंजा हिट करके हमने पूरे 210 पॉइंट खाए हैं इसमें माय फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं, 24 के बाद हमारा अगला सौदा लगा, 25 को लग नहीं सकता, 25 को छुट्टी थी तो मुझे 28 को ये सौदा लेना पड़ेगा, तो 13873 का रेट है तो 13850 का हमारा ये सौदा बनेगा माय फ्रेंड्स। तो मैंने 13850 पे ये सौदा मारा है, आप देख सकते हैं 13850। अब ये सौदा लगा है मेरा 28 दिसंबर को, आप देख सकते हैं 28 ऑफ दिसंबर यहाँ, तो उसकी एक्सपायरी होगी 31 ऑफ दिसंबर की, तो 31 दिसंबर का फिर से रेट देख लीजिए, तो 28 दिसंबर को ये सौदा लगा 13850 पे और 31 दिसंबर की एक्सपायरी विच इज़ 13982, तो 13982 आ गया यहाँ पर बाज़ार, तो 13982 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस विच इज़ 132 पॉइंट दूर हट गया, तो इसमें से मुझे प्रॉफिट होगा 210 पॉइंट इसमें से करके 78 पॉइंट्स का। अब आप देखिए हफ्ते में एक सौदा लगता है सिर्फ, पूरे हफ्ते में, थीटा है द पावर ऑफ थीटा। अगर आप थीटा है क्या क्लियरली समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोवाइडेड वीडियोस हैं, देखिए उन्हें। मार्केट इज ऑल अबाउट नॉलेज, इट इज़ नॉट एट ऑल अ गैम्बल। आप देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ एंड इट इज़ प्योरली प्रॉफिट। मारिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, इट इज़ एज ईजी एज दिस। मारिए छोड़ दीजिए भूल जाइए, पैसे ही पैसे आएंगे। अब फिर हमें 1 जनवरी को सौदा बनाना है दोस्तों, तो अब हम 1 जनवरी को चले जाएंगे विच इज़ दिस। 1 जनवरी को आप देख सकते हैं 14000 पे सौदा बना है। मैं सबूत दे रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी हो सकता है बाजार में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 1 जनवरी का बनाया हुआ सौदा 7 जनवरी को कवर होगा, 6-7 ये हुआ है 14137। मैंने कुछ नहीं किया है आप देख सकते हैं, यानी ऑब्वियसली 137 पॉइंट मुझसे ले गया, 210 प्रॉफिट ऑफ 73 पॉइंट्स। अब दोस्तों मैं तो आपको पूरा जनवरी दिखा सकता हूँ, पूरा फरवरी दिखा सकता हूँ, आप 10 साल की रिसर्च कर लीजिए इस स्ट्रेटजी के ऊपर, लॉस नहीं हो सकता। सिंस नवंबर एंडिंग मैंने ये सौदा बनाया था, जितने भी हफ्ते होते हैं, तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 6 हफ्तों का डेटा दिखा दिया है, एंड आई एम 445 पॉइंट्स प्लस। अब दैट मीन्स 445 × 75 मुझे 33000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, जिसमें मुझे कोई बाजार से मत्था नहीं मारना है, बस ट्रेड लीजिए भूल जाइए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इस एरिया की है, यहाँ जहाँ आपके इमोशंस आएंगे, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ट्रेड मारा, ओह पता नहीं क्या हो गया, मैं तो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, बाय बाय को नहीं, आपका मैक्सिमम लॉस डिसाइडेड है यार। जब मैक्सिमम लॉस डिसाइडेड है तो किस बात के इमोशंस ले रहे हो, डोंट टेक एनी इमोशंस, यही इस स्ट्रैटेजी की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्लॉज भी यही है कि इमोशंस मत लीजिए। ट्रेंड आया ना, ये पूरा ट्रेंड आया था, ये आप लोगों के लिए तो ट्रेंड ही था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड ही था। कौन सा ट्रेंड है आप मुझे बताइए, स्ट्रेटजी में कौन सा ट्रेंड आ गया है? सब वॉलेटिलिटी चल रही है, निफ्टी नियरली वहीं बंद हो जाती है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ थीटा ट्रेडिंग। सो माय फ्रेंड्स, आई बिलीव जो ये स्ट्रेटजी है ये आपको एक कंसिस्टेंट रेगुलर मनी भी दे सकती है एंड विदाउट टेंशन दे सकती है, बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। तो आप इसकी जितनी चाहे पुरानी रिसर्च कीजिए, अगर कोई लैब्स है तो मुझे बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पुट इन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपका कोई रिव्यू है तो वो भी वेलकम है। सो माय फ्रेंड्स, दिस वाज द स्ट्रेटजी ऑफ थीटा ट्रेडिंग जो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाई, सिंपल। इसे बैंक निफ्टी पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, निफ्टी पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, स्टॉक्स पे भी इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन प्रेफरेबली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर कंसिडर्ड मच बेटर देन स्टॉक्स फॉर दिस स्ट्रेटजी। लेकिन स्टॉक्स पे भी ये उतना ही पावरफुली काम करती है जितना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में करती है। जब आप हेज करके काम करते हो तो CCO के मुताबिक, दैट इज़ क्रिस्टलाइज कंसोलिडेटेड ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग, मार्जिन बहुत छोटा लगेगा क्योंकि आपका रिस्क लिमिटेड है, 90 पॉइंट का रिस्क है। 90 पॉइंट में एक्सचेंज आपसे क्या लेगा, मैक्सिमम लॉस ही 6000 रुपये का है, एक्सचेंज इसके बदले में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बस दैट्स द मैक्सिमम, मतलब ऑप्शन बेच के सिर्फ 50,000 रुपये में का, और क्या चाहते हैं आप। खरीद के भी इतना रिस्क होता है, ऑप्शन खरीद के आप सोचते हो लिमिटेड रिस्क है, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बेच के उससे कम लिमिटेड रिस्क है।
दिस इज द रियल नॉलेज ऑफ मार्केट माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई रिव्यू है, तो मैं उसका इंतजार जरूर करूँगा। मैं चाहता हूँ इस स्ट्रैटेजी को आप जितना पुराना हो सके रिसर्च कीजिए, चाहे निफ्टी पे, चाहे बैंक निफ्टी पे, और अपने रिव्यूज़ दीजिए। ये स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए करवाई कि जो मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हैं, जो मार्केट में पूरी तरह डिवोट नहीं हो सकते, जॉब है, बिजनेस है, और वो मार्केट के प्रॉफिट्स में पार्ट लेना चाहते हैं, वो कर ले सकें। सो आई होप माई फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल IBBM Delhi NCR को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मार्केट में लगातार प्रॉफिटेबल और रियल नॉलेज आपको मिलती रहे। सो माई फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।